बस स्टॉप। ये फुंतरू लोग बीच में कहाँ से आ गए? ए साइड हट, ए आगे मत जा, आगे मत जाओ यार। तुम लोग क्या आगे, कौन है आगे जा रहा है? कोई आगे नहीं जाएगा। आने दो आने दो, ये लोग कौन है? आगे आओ। नहीं नहीं नहीं, वहीं पे वहीं पे वहीं पे, बस 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 बस, इससे ज़्यादा आगे नहीं। मैम लुक सेंटर, या मैम सेंटर, मैम सेंटर में, मैम यहाँ पे, या मैम यहाँ पे सेंटर में। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अभी हुआ नहीं, ये लोग अभी, इनका कैमरा भी ऑन हो रहा है, अभी ऑन हो रहा है। हो गया, हो गया, सब रेडी, सब रेडी हो गया, फुटेज भी आ गया। ये बताइए, कल मुंबई की भीड़ को देखकर कैसा लगा? मुझे लगा कि थैंक गॉड मैं उस भीड़ में नहीं फंसी, बट इसे कहते हैं क्या बात है, मतलब वर्ल्ड कप देख के आके कुछ भीड़ को बहुत रेड रेड लगा दी थी। अखंड चाची आप लोग गए कि नहीं कल देखने? हाँ हम, अरे देखने के, हम शूट करने गए थे। मैं जूम करके मैं दिख जाऊंगा। मुझे लगता है, मुझे काफी लोगों ने बोला, स्पेशली एक्टर्स ने, कि आकांक्षा तो पहले ही सब बता देती हूँ, इस बार प्लीज कुछ मत बताना, जब तक कुछ ना हो जाए। तो आई थिंक मैं भी वो फॉलो करूंगी, मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, या हमारे प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन हो जाते हैं, या जो करके आए हैं उसके अभी तक पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बट फिंगर क्रॉस की इस बार सब सही ट्रैक पे सही तरीके से हो, जो काम करें उसके पैसे भी मिल जाएं। इसी के साथ टीम इंडिया भी घर वापस आ चुकी है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ। वाह यार, लाइव देखा कि आपने किस तरह? मैंने आप लोगों के जरिए देखा, एंड जितना आप लोगों ने दिखाया, मुझे लगता है अगर मैं घर से निकलती भी तो शायद वहाँ पहुँच नहीं पाती। बट हैट्स ऑफ टू यू गाइज, आप लोग ने हमें दिखाया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, जीत हो तो ऐसी हो, एंड आई थिंक दे डिजर्व इट। साथ ही आकांक्षा जी सामने हो तो बिग बॉस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है? मैं इस बार नहीं फॉलो कर रही ज्यादा, जितना आप लोग दिखा रहे हैं उतना ही देख रही हूँ। काफी वायरल हो रहे हैं, काफी मैं पढ़ रही हूँ उनके बारे में, स्पेशली अरमान, उनकी दो वाइफ एंड उसके ऊपर ट्रोलिंग, पता नहीं, मैं ये सब मुझे नहीं पसंद आ रहा, क्योंकि ये उनके घर की बात है, उनकी पर्सनल चॉइस है, और अगर इतना इलीगल होता तो आज शायद वो जेल में होते। बट एटलीस्ट वो डंके की चोट पे हैं अपनी दोनों वाइफ के साथ, और नहीं तो लोग तो एक घर पे रखते हैं, एक बाहर रखते हैं छुपा छुपा के। तो मुझे लगता है वी शुड अप्रिशिएट, एंड अगर वो लोग खुश हैं तो हम कौन होते हैं इसमें कमेंट करने वाले, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। अगर आपको एज अ गेस्ट बिग बॉस एडिटिंग में भेजा जाए कि आप कुछ सजेशन दे के ऑपरेशन से आप जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बिग बॉस हमारी फैमिली जैसा है, हम लोग जुड़े हुए हैं, कभी भी बिग बॉस हमें बुलाएं तो हम लोग बिल्कुल जाएंगे। बिग बॉस से रिलेटेड हिना खान भी, जो उनका केस हुआ काफी इमोशनल हुआ, आई थिंक बहुत इमोशनल है, एंड मुझे लगता है सब लोगों को एक मैसेज मिलता है इससे कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज अनसर्टन, सो अपना ख्याल रखिए। एंड हिना खान इज अ शेर, इस शेर खान मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, शी इज अ वॉरियर, एंड अकेली नहीं है वो, सब उनके साथ हैं, सबकी ब्लेसिंग्स हैं, आई एम श्योर वो शील कम आउट एज अ विनर। सो ऑल द बेस्ट हिना खान, एंड टेक केयर, यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। अभी आया तू? हाँ मैं अभी आया, अभी आया। मैम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अभी आया, यहाँ पे ग्रीन बीन, यार आपको मैं बीन, मिर्ची, लौकी, ये क्या है? एटलीस्ट चलिए हेल्दी तो। वेट 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 वेट, चलिए बाय बाय, वेट वेट वेट, टेक केयर गाइस, सी यू, बाय बाय।